This video is sponsored by Pixtoons Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। शेयर बाजार ने रचा इतिहास, सेंसेक्स 35,260 के नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद। आखिरी घंटे में हुई तेज मुनाफा वसूली से बाजार ही भले ही दबाव देखने को मिला हो, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी गुरुवार को फिर से ऐतिहासिक स्तर पर बंद हुआ है। बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 178.5 अंक यानी 0.5 अंक की उछाल के साथ 35,260 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 28.5 अंक यानी 0.25% बढ़त के साथ 10,817 को स्तर पर बंद हुआ। आपको बता दें कि घरेलू बाजार में लगातार दूसरे रिकॉर्ड तेजी से दर्ज हुए हैं। इस तेजी के पीछे मुख्य वजह है फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदम। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे सेंसेक्स निफ्टी। निफ्टी गुरुवार को 10,887.1 रिकॉर्ड उच्चतम स्तर तक पहुंचा। वहीं सेंसेक्स ने 35,507.4 का नया रिकॉर्ड ऊपरी स्तर पर बनाया। सेंसेक्स 0.5% और निफ्टी में 0.25% की बढ़त के साथ बंद हुए। कमजोरी का माहौल निफ्टी में 10,782.4 अंक तक लुढ़क गया, जबकि सेंसेक्स ने 35,166.5 तक गोता लगाया था। कुछ ऐसा रहा बाजार का हाल। बाजार की पार्टी का मजा आज मिडकैप शेयरों ने किरकिरा कर दिया। नई ऊंचाई छूने के बाद बाजार ने जोरदार मुनाफा वसूली को देखने को मिली। गिरावट कितनी गहरी थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर एक बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले 5 शेयर गिरकर बंद हुए। सबसे ज्यादा बुरा हाल मिडकैप शेयरों का था। दिन के उच्चतम स्तरों में मिडकैप इंडेक्स 750 अंक लुढ़क गया। सेंसेक्स भी दिन के उच्चतम स्तर 300 अंक तक टूटा। हालांकि इसके बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी नई ऊंचाई पर ही बंद हुए। क्यों आई बाजार में तेजी? ग्लोबल ग्रोथ में मजबूती में बने रहने की उम्मीद पर कॉरपोरेट अर्निंग में सुधार में साल 2018 में शेयर बाजार की रैली देखने को मिल रही है। बुधवार को अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए। बैंक ऑफ अमेरिका के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहने की वजह से डाउ जोन्स पहली बार 26,000 के बाद बंद हुआ। अमेरिकी बाजारों में तेजी गुरुवार को एशियाई बाजार में रिकॉर्ड हाई के लेवल पर पहुंच गए। इससे भारतीय शेयर बाजार को सपोर्ट मिला। वहीं घरेलू स्तर पर भारत ने अतिरिक्त कर्ज लेने के टारगेट को 60% घटा दिया। पहले सरकार का 50,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेने का प्लान था, जिसे घटाकर अब 20,000 करोड़ रुपये का कर दिया गया है। इस खबर से कारोबार में शेयर बैंक शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। अब आगे क्या? सुंदरम म्यूचुअल फंड के CEO सुनील सुब्रमण्यम का कहना है कि बजट से पहले बाजार में उतार चढ़ाव की संभावनाएं पूरी रहती हैं, जो बाजार की चाल को देखकर लग रहा है। मौजूदा समय में बाजार में काफ़ी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, लिहाजा बाजार में किसी भी तरह की रणनीति न बनाने की सलाह देगी होगी। अब क्या करें निवेशक? आरके ग्लोबल और वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल कहना है कि निवेशक कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में तेजी से सौदा बना सकते हैं। शेयर की तिमाही में नतीजे से पहले 10,085 रुपये तक के स्तर को देखने को मिले थे, लिहाजा इसमें 1,024 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह दोगी। इसके अलावा मौजूदा समय में निवेशक यस बैंक में 337 रुपये के स्तर पर बिकवाली करने की सलाह होगी। जुबिलेंट फूड में मौजूद स्तर से 55 से 60 रुपये तक की तेजी देखने को मिल सकती है, लिहाजा इसमें बाजार की शुरुआत खरीदारी करने की सलाह होगी। धन्यवाद।